साथियों नमस्कार। इस समय हम उपस्थित हैं प्रयागराज में धरना स्थल पर, पत्थर गिरजाघर पर। यहाँ पे लगातार जो है अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है गौरी हत्याकांड को लेकर, जहाँ पे 4 लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई थी। और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे क्या है जो लगातार अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? जितेंद्र दंडाज, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लगातार जो है आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं, बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रयागराज की धरती, जो पावन धरती कही जाती है, उसी धरती पे हमारी बहन, हमारी माता के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है। उन दरिंदों की दरिंदगी वहाँ भी नहीं रुकता है, फिर भाई और चाचा समान पिताजी को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, यानी एक परिवार के 4-4 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह जो योगी और मोदी सरकार कहती है कि जब से बीजेपी की सरकार आई सब गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, हम तो यह कहते हैं कि गुंडे जो बाहर थे और उत्तर प्रदेश में आके शरण ले रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का मुखिया है वो खुद गुंडा है। जब जो गुंडा रहता है गुंडों का शरण देता है, जो अच्छा रहता है वो अच्छे का शरण देता है। और इस सरकार से मैं मांग करता हूँ कि अनिश्चितकालीन धरना आज 3रा दिन है और यह अनवर तब तक चलता रहेगा, यह अनिश्चितकालीन धरना, फिर उसके बाद दिन रात धरना, उसके बाद जरूरत पड़ी आमरण अनशन करके जिलाधिकारी का घेराव करके इस सड़कों को भी जाम करने का हम ऐलान करते हैं। अगर इस पूरे परिवार को, गौरी हत्याकांड को अगर न्याय नहीं मिलता है, और हम सभी की मांग है कि सीबीआई जांच हो। क्यों? क्योंकि यह सरकार और यह पुलिस प्रशासन इस मुद्दे से भटकाना चाहती है, लोगों का ध्यान भटका रही है। उसी समाज के लोगों को, एक लोग को आरोपी बना दिया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इस सरकार का पुरजोर विरोध करता हूँ, या मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, और हमें न्याय चाहिए। और न्याय लेने के लिए अगर ईंट से पत्थर बजाने की काम होगा तो हम बजाएंगे, लेकिन अपनी बहन, अपने भाई, अपने माता और पिता के हत्यारों का बदला लेंगे और हम न्याय लेके रहेंगे, क्योंकि जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं रहेंगे तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब से मैटर खुलासा हुआ है लगातार पेपर कटिंग के बयान बदल कर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये सत्ता उनका है, ये पत्रकार उनका है। अब मैं क्या कहूँ, यह जो न्यायपालिका कही जाती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी उनका है, तो हम किस पे विश्वास करें? लेकिन फिर भी कोर्ट पे थोड़ा विश्वास जताते हुए मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई जांच हो और मांग हो, न्याय मिले, क्योंकि ये लीपापोती करना चाहते हैं। क्योंकि यह जो बीजेपी की सरकार, यह दलित विरोधी सरकार है, यह महिला विरोधी सरकार है, इसलिए इस सरकार में गुजारा दलित और महिलाओं को नहीं। हमारे साथ में पीड़ित परिवार के लोग भी जुड़ चुके हैं और घर के हैं, हम उनका भी बयान जानना चाहेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं सीबीआई जांच की मांग को लेकर। ये मैटर जो है 25 तारीख से सामने आया है और आज 4 तारीख हो गए, लेकिन अभी कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमको सीबीआई जांच चाहिए, प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा था लेकिन भरोसा तोड़ दिया प्रशासन, अब हमको सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच में जो होगा वही क्लियर हम मानेंगे, बस। अच्छा, ये मैटर आपने कैसे जाना जब ये हुआ? तो ये हुआ कि सुबह मैं अपना थोड़ा छुट्टी से आया था, मैं भी फोर्स में हूँ, और उसके बाद एक चाट वहीं बेचता था, वो आया, बोला किशन भाई फूले भाई के दरवाज़ा खुल मतलब कल से खुला नहीं है, और वो बच्चा भी बाहर नहीं निकला। तो मैंने कहा कि कल ही शाम को हमको बताते, फिर बोला शादी उदिम कहीं गए हैं क्या? हम कहे शादी उदिम तो नहीं गए हैं, शादी उदिम जाएंगे तब बता के ही जाते हैं। उसके बाद मैं गया, देखा मेरा भाई मारा पड़ा था, मेरा पूरा परिवार जो था वो सब मारा पड़ा था। उसके बाद मैं 112 नंबर पर कॉल किया, आई प्रशासन, उसके बाद जांच पड़ताल चालू कर दी। मेरे ऊपर प्रशासन के ऊपर भरोसा था कि प्रशासन जो करेगी ठीक करेगी, लेकिन प्रशासन पूरा लीपापोती कर रही है, मेरे को सीबीआई जांच चाहिए।
जो प्रशासन के लोग हैं और पवन सरोज का नाम बयान में आ रहा है, क्या सही है? आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, उसको जांच किया जाए। ऐसे ये नहीं कि एक दिन पकड़ो दूसरे दिन जेल भेज दो, जांच करो, पूरा फिंगरप्रिंट है पूरा, वहाँ जितना सामान था उसमें जांच किया जाए, दोषी कोई भी हो उसको सजा मिलना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे। जिस तरह से लगातार पुलिस से लीपापोती कर रहे, क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? न्याय सीबीआई जांच होगी तब मिलेगा हमको, उनके सीबीआई के ऊपर भरोसा है, बाकी हमको भरोसा नहीं है। सीबीआई कुछ मांगे और उन्होंने कहा था कि पैसे में जैसे 16 लाख रुपए देने की बात कही थी, क्या पैसा मिला? अभी कुछ नहीं मिला, हमको न्याय चाहिए बस, न्याय के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। कौन है आप उनके? हम सबसे छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं, क्या नाम था उनका? उनका नाम था फूलचंद, और भाभी का नाम मीनू, और भतीजे का नाम सपना, और भतीजा का नाम शिव। चारों हमारे साथ में जो है और भी महिलाएं हैं जो घर से आई हैं, और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं? हम लोग के न्याय चाहिए भैया, इसलिए ना कि हमारे लोग के चार चार लोग की हत्या हुई है, और हम लोग न्याय मांगते हैं सरकार से, हम लोग के न्याय चाहिए। हत्या जो हत्या किए हैं उनको सजा मिलना चाहिए बस, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। सीबीआई जांच मांगते हैं हम लोग, इसलिए कि पुलिस वालों के ऊपर हम लोग को भरोसा नहीं है, कभी हम लोग की मदद नहीं किए हैं, तो हम लोग क्या जाने कि हम लोग को भरोसा है उनके ऊपर। तीन तीन चार चार बार चढ़ के मारा गया, हम लोग के घर में कोई सुनवाई पुलिस वाले नहीं करते, तो हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। हमको लोग को सीबीआई जांच चाहिए बस। जिस तरह से बहुत सारे नेता जा रहे हैं पार्टी के लोग आपके घर में, क्या लगता है आश्वासन कुछ दे रहे हैं वो लोग? क्या वो लोग, हम नहीं जानते कुछ लोग क्या करेंगे, वो लोग बस देख के सुन बात करके चले आते हैं, और क्या करेंगे वो लोग। हमको सिर्फ सरकार से सीबीआई जांच चाहिए बस, हम लोग की हिफाजत के लिए हम लोग मतलब जांच चाहिए हमको लोग को, और कुछ नहीं चाहिए। आप कौन हैं उनके? जो हम सिस्टर हैं उनकी, बहन। हाँ, मेरा नाम गुड्डन राजपासी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन युवा एकता मंच। अनिश्चितकालीन धरना को लेकर जिस तरह से आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो सीबीआई की जांच होगी कि नहीं? बिल्कुल जांच होगी, हम लोग जांच करा के रहेंगे। अगर हम लोग, आज हमारा दूसरा दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 15 तारीख के बीच में हमारी मांगे पूरी नहीं करते, तो हम लोग एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन इलाहाबाद में करेंगे। माननीय योगी जी को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। जिस तरह से पवन सरोज को फंसाया जा रहा है और परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस परिवार में घटना घटी है उस परिवार को भी पता है कि जो शासन और प्रशासन के लोग हैं वो जो असली आरोपी है उसे बचाने का काम कर रहे हैं, और निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जब से सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से गुंडों को बचाने का काम करती है और निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करती है। इसीलिए हम लोग, क्योंकि हम लोगों को यूपी पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है, इसलिए हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, और हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जिस तरह से आप जान रहे हैं कि 25 तारीख से ये मैटर सामने आया है और निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है गौरी हत्याकांड को लेकर, और लगातार जो है पासी समाज के लोग, बहुजन युवा मंच के लोग, अन्य सामाजिक संगठन के लोग जो है धरने पे बैठे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और इसी के साथ चैनल को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें।